आपकी ग्रेजुएशन तो 4 साल पहले हुई थी ना, फिर भी आपको कोई नौकरी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि इससे पहले सिलेक्शन कमिटी में आप नहीं थे मिस्टर प्रसाद। वेल यंग मैन, यू आर राइट, हमारे देश में फेवरिज्म बहुत है, फिर भी एक बात सही है कि किसी भी इंटेलिजेंट, जहीन, होनहार और लायक इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। होनहार, इंटेलिजेंट और जहीन लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं है, जब तक उनके किसी में सिफारिश या पैसे ना हो। तो तुम्हारा मतलब है इस देश में सारे समझदार और पढ़े लिखे लोग बेकार घूमते हैं? सभी नहीं, ज्यादातर। जितने भी इम्पोर्टेंट सीट्स है वो तो बेकार और नाकार लोगों से भरी हुई है। इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको शूट कर देना चाहिए या तो नजदीक के बिजली खंभे से लटका देना चाहिए। अगर ओलंपिक में करप्शन का मेडल दिया जाए तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, ये सारे मेडल हमारे देश में आएंगे। यू साउंड लाइक एन एक्सट्रीमिस्ट मिस्टर जैकसन। अगर सच्चाई में आपको बगावत की बू आ रही है तो आई कांट हेल्प इट, आई एम रियली सॉरी। लुक मिस्टर जैकसन, हमें इस ऑफिस के लिए सीधे साधे क्लर्क की जरूरत है, किसी बागी की नहीं। क्यों मैं को